नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के विभूति ने इंडियन बुक में अपना नाम दर्ज कराया। इस मौके पर रीवा के कलेक्टर मनोज पुष्प भी पहुंचे विभूति का हौसला बढ़ाने। साफ तौर से जिस तरीके से विभूति ने सैनिटरी नैपकिन आयरन कैल्शियम विटामिन की स्ट्रिप से एक ऐसा पोर्ट्रेट तैयार किया जो कि अपने आप में कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट है। देखिए कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने क्या कुछ कहा। बुक ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली विभूति का हौसला बढ़ाने कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प भी पहुंचे। हम आपको बता दें, पिछले दिनों विभूति ने रीवा के कन्या महाविद्यालय के हाल में सैनिटरी नैपकिन आयरन कैल्शियम विटामिन की स्ट्रिप की मदद से एक बड़ा पोर्ट्रेट बना डाला। विभूति का दावा था यह पोर्ट्रेट एशिया में सबसे बड़ा पोर्ट्रेट है, जिसके चलते उन्हें बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज कराने में मदद मिली थी। साथ ही विभूति की नज़र अब लिम्का बुक की तरफ भी। हमारी टीम ने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय के हॉल में बात की, जहां पर विभूति ने पोर्ट्रेट बनाया। आइए आपको सुनाते हैं रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने विभूति के इस प्रयास को किस तरीके से सराहा और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं जावेद, मैं मौजूद हूँ रीवा के GDC कॉलेज में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस समय यहाँ पर ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो आम तौर पर घर में भी खुले में लोग नहीं रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैनिटरी नैपकिन की। यहाँ पर दवाइयों की भी इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं सारी बातों पर बात करने के लिए रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो चीजें आज इस्तेमाल की गई हैं, क्या ये आप क्या मानते हैं इससे किस तरीके का लाभ होगा? इससे ये फायदा होगा कि हम जो नॉर्मल ह्यूमन साइकिल है, जो हर महीने बच्चियों को इस चीज के साथ गुजरना पड़ता है, उसको एक नॉर्मल टॉक ऑफ द टाउन होना चाहिए। उस समय उनकी जरूरतों को हमको इस्तेमाल जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और इससे होने वाले जो इश्यूज हैं उसको हम घर में खुल के बात कर सके, अपने दोस्तों के बीच में खुल के बात कर सके। हाइजीन का भी इशू है और हेल्थ का भी इशू है। बच्चियों के हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए और उसको सामान्य चर्चा का विषय बनाने के लिए ये विभूति में जो बनाया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और बच्चियों के हेल्थ को लेकर के जो सिंसियरिटी आनी चाहिए समाज में, जो बच्चियों के माता पिता और भाई बहन के बीच में जो बातें होनी चाहिए, उस बात को इसके माध्यम से कहा गया है कि ये खुलापन आना चाहिए, तभी हम उनके हेल्थ और हाइजीन को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। जो बच्चियां पीरियड के दौर में आने वाली हैं, उसके पहले उनको इसके इश्यूज के बारे में सामान्य चर्चा होनी चाहिए और इसको कोई कानाफूसी का और कल्चर का इशू नहीं होना चाहिए। ये फिजियोलॉजी का इशू है और इसके सामान्य परिचर्चा का विषय होना चाहिए घर में भी और समाज में भी। सर, अभी आपने कहा बातचीत के दौरान कहा कि इसको रीवा जिले के चारों तरफ हर छोटे छोटे कस्बे पे भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कुछ इसी तरीके से, तो उसको लेकर दिमाग में कोई प्लानिंग? जब भी हम लोग कोई चर्चा परिचर्चा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो बच्चियों की किशोरियों के हेल्थ को हम फोकस करके काम करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कुपोषण की समस्या है, चाहे बच्चों में या प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में, उसको टैकल करने का केवल एक तरीका है कि हम किशोरी बालिकाओं को किशोरी होने के पूर्व उनको हेल्दी रखें। इसलिए जो हमारा गर्ल चाइल्ड और बॉय जो हैं, वो दोनों के बीच में उनके रेयरिंग का जो इशू है, पेरेंटिंग का इशू है, उसको बड़े सिंसियरली शुरुआती दौर से ही टैकल करने की ज़रूरत है। और जब बच्चियां स्वस्थ होंगी, जब किशोरियां स्वस्थ होंगी, तो जब वो गर्भवती होंगी, जब माता बनेंगी, तो उस समय न केवल वो स्वस्थ रहेंगी बल्कि उनका बच्चा भी स्वस्थ होगा और ये जो कुपोषण का एक पूरा चक्र है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के अवेयरनेस से न केवल रीवा शहर में बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी हम इस अवेयरनेस को फैलाएं और जो हेल्थ इश्यूज हैं, स्पेशली जो जेंडर बेस्ड इशू है, उसको हम चर्चा का विषय बनाएं। बच्चियों के हेल्थ के प्रति हम शुरू से कॉन्शियस रहें और उनको भी अपने स्वास्थ्य की और अपने जो एनीमिया का इशू है उसको शुरू से गंभीरता से टैकल करने की ज़रूरत है। वो खुद भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, परिवार समाज भी उनके स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दे, तो हम कुपोषण के इस चक्र से बाहर आ जाएंगे।
हम कुपोषण के इस चक्र से बाहर आ सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान देने की। अगर हमने शुरुआत अपने घर परिवार मोहल्ले से की तो निश्चित रूप से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ ऐसा कहना था रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।